हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली व्लॉगर अंकित में। मैं जस्ट अभी सो के उठाई हूँ। मैं मुंह धो के आया हूँ अभी हल्का सा। मैंने कहा व्लॉग की शुरुआत कर दी जाए, तो आपको हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो व्लॉग पूरा देखिएगा दोस्तों। ये देखिए पबजी का रोगी ना, काई की रोगी है भी ना। अरे यार बेइज्जती हो गई तो मेरी। वो पबजी नहीं, क्या फ्री फायर खेलती थी। तो मैं दोस्तों को बताना चाह रहा था ना, क्या करी एक ये इसको ले जाए, बेल्जी का दोस्त है, लंगड़ा कुत्ता है बेचारा। अंकल जी नमस्कार। या तो ये वाला सोफ़ा बनाया आसिम ने, सोफ़ा बना रखा। और यहाँ हमारे आसिम भैया, मुंह तो दिखा दिया करो कभी तुम सर का के आ, तो इनको भी तो पता चले कौन है आसिम। और ये जोशी जी हैं, ये आसिम भैया, ये चांद सा चेहरा। जोशी जी तुम भी दिखा दो अपना चांद सा चेहरा। ये ज़्यादा ही, ये लौंडे ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस है ना, ये मास्क नहीं उतारते हैं। ये कहते हैं हम कोरोना नहीं फैलाना चाहते, कोरोना फैलाने में भागीदारी नहीं है हमारी। इसी तरफ हम हैं। वैसे मैंने भी मास्क पहना था लेकिन अभी उतार रखा है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ आया था तो यहाँ क्या लगाना मास्क अभी थोड़ी देर के लिए ना। तो दोस्तों ये आज ऐसा कुछ मौसम हो रहा है, ऐसा बहुत तगड़ा तूफान आने वाला है। भैया हैं, हम जा रहे हैं दूध लेने। टाइफून ताऊते जो भी बताओ। कल जी ये लकड़ियाँ बटोरते हुए और ये बात आधी दुकान आएगा भाई, गैस हो जाए। वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है बारिश की, ये पूरा ऐसा हो रखा पीछे। तो ऐसा मौसम कुछ हो रहा है, बहुत घंघोर वाली बारिश आने वाली है। अब आ रहा आधी दुकान, यहाँ आंटी लोग की चल रही है क्या कटाई, कुट्टी मक्का भाई। आंटी का 2-in-1 चल रहा, मक्का भी खाई जा रही है और बाबा सपाट देखो आंटी का। हाँ वीडियो, ये बच्ची की समोरा समोर तो खाने के लिए ठहरा। ये तू खाती है, तू गाय थोड़ी है, ये तो गाय खाती है। ममता भी खाई। यहाँ लगी है पूरे मक्का, यहाँ मक्का क्या लहलहा रही है आधी से। मजा ही आ गया ये, बड़ी बात। किसी मौसम की दरकार थी, मतलब देख रहे हो इतना तूफान आने लग गया। तो ऐसा ही कुछ मौसम चाहिए था 3-4 दिन से। वो उड़ गया देखो क्या, अब वो एक पर्दा पीछे चले गया वहाँ। मस्त आज बढ़िया लग रहा है, आज लग रहा है कि हाँ थोड़ा सही है, थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी यहाँ। उन्हें यहाँ तो और ही बात हो रखा था गर्मी के मारे। आप लोग क्या, मौसम कैसा हो रहा नीचे कमेंट करके बताइएगा हमको। देख रहे हैं हवा का संगीत दोस्तों, कुछ ऐसा सा मौसम हो रहा आज। बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम देखने को मिला, मज़ा आ गया। अब होना चाहिए दवा के बारिश तो होनी चाहिए, लेकिन बारिश के साथ साथ हमारे घर में पानी भी आना चाहिए। हमारे कालाडुंगी में बस 8-10 परिवार ऐसे हैं जिनका पानी नहीं आ रहा, और पानी नहीं आ रहा कम से कम पिछले 20 दिनों से पानी नहीं आ रहा। और वो अपने काम पे लगे हैं पानी से ही करने वाले तब से, लेकिन उनको फॉल्ट ही नहीं मिल रहा कि काम आगे देखते हैं कब आता है। यहाँ आंटी की समोर है रे, मक्का खाने पे जोर चल रहा आंटी का। यहाँ बच्चे लगे हैं मक्का खाने में। तो ममता तो घास भी खा रही थी। ममता तो गाय है ना, ममता खाएगी थोड़ी, चर रही है। तो दोस्तों देखिए ममता ये चर रही, क्या चर रही, ममता मक्का चर रही। ममता और ममता मक्का चर रही, तो ये हमारा थंबनेल रहेगा कल का। ये है मक्का, ममता मक्का चर रही। अरे आंटी कह रही किसी से बात कर रहा हूँ ना आंटी, वीडियो है खाली वो। अच्छा बता तो कैसे चढ़ती है तो मक्का, अभी जुगाली भी करेगी फिर दोस्तों। ये ममता है अभी खाएगी फिर जुगाली करेगी थोड़ी देर बाद। आजा 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 शेरा, ये क्या कर रहा, नो हेलो कर, हेलो
हेलो शेरा, हेलो शेरू। अरे क्या कर रहा शेरा? अबे बारिश हो रही है यहाँ, और ये बात बूंदे पड़ने के कारण बेल जी की खुशबू आ रही होगी इसको मेरे से। ये क्यूट सी बिल्ली, हेलो। वही तो, हेलो। ओ डर भी नहीं रहे, आएगी मेरे पास। इसका नाम क्या है? सिबुआ, सिबुआ नाम है इसका। वो कितनी क्यूट लग रही, इसके गले में तो काट रखा किसी ने। आज आपका भाई बनाने वाला है पोहा। ये तेल, करी पत्ते, प्याज, मूंगफली, टमाटर है हमारा पोहा। वैसे दोस्तों मुझे खाना बनाना तो ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन मजबूरी है, कभी कभी अपने हाथ का एक्सपेरिमेंट करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो आज बन रहा है मेरा फाइनली पोहा, आप देखते हैं पोहा बनता कैसा है। तो अब थोड़ा सा इस पर डालता हूँ मैं राई। राई तिड़क रही है दोस्तों, अब हमारी राई तड़कने लगी। अब मैं इस पर करी पत्ता डालूंगा। मुझे करी पत्ते का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो मज़ा आ जाता है। और पहाड़ों में इसको बोलते हैं गनी का पत्ता। हाय हाय क्या सुगंध होती है इस पर। तो ये गए हमारे करी पत्ते। अब डालेंगे हमारे कुछ मूंगफली के दाने। मैं ना ये कुछ मूंगफली के दाने इस पर डाल देता हूँ। थोड़ी सी मूंगफली मैंने इस पर डाल दी और थोड़ी सी और डाल दी। डाल के थोड़ा सा मूंगफली को थोड़ा सा भून लेना चाहिए। जैसे मेरी मूंगफली थोड़ी सी भूनती है, मैं इसको सारे को निकाल लूँगा। ये मेरा अपना तरीका है। नहीं सारे को निकालता नहीं हूँ मैं, इस पर डाल देता हूँ प्याज डाल देता हूँ। अब मैं प्याज को ज़्यादा नहीं भूनता हूँ, क्योंकि मुझे क्रंच मतलब क्रंचीनेस अच्छी लगती है प्याज की। वो हल्का सा ही भूनूंगा मैं प्याज को, ताकि कचकचैन जो कच्चापन होता है निकल जाए। हल्का सा प्याज भून चुका है, मैं डाल दूंगा टमाटर। मैं ज़्यादा नहीं भूनता हूँ प्याज को, मैंने बताया था आपको। अब ये हमारे टमाटर भी मैं थोड़े से इससे खोल लेता हूँ, मतलब खोते कर लेता हूँ। तो नमक मिर्च का मुझे अंदाज आता नहीं है, तो उसके लिए मैं मम्मी को बुलाया है। उतना है इसमें। मैं थोड़ा सा अपना सीक्रेट वाला है चीनी, ये मेरी फेवरेट है। चीनी मेरी हर चीज़ में डलती है, मतलब बिना चीनी के तो मज़ा ही नहीं आता मुझे किसी भी। अभी खाऊंगा। तो ये सब हमारा हो चुका है, खा लें। तो अब मेरा पोहा पड़ रहा है इसमें। ये कभी कभी होता है, समटाइम हैपेंस लाइफ इतना। अभी मम्मी थोड़ी, अगर अभी वीडियो चल नहीं रही होती तो मम्मी गाली कर रही होती मुझे। तो अभी इसको धीरे धीरे मिक्स कर लेता हूँ मैं। इस पर एक मेरे पास पोहे का मसाला भी था, लेकिन वो मसाला नहायत ही घटिया होता है। मुझे ये नहीं पता वो मसाला रखा कहाँ है अभी। वो रेडीमेड मसाला था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खट्टा, उस पर एसिड वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, और मज़ा भी नहीं आता उसको। अभी दोस्तों खट्टे के लिए वैसे तो आप लोग नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सिरका ऐड करूँगा। सिरका डाल के मज़ा आ जाता है खट्टा खट्टा। आप चाहो तो नींबू यूज करना, क्योंकि नींबू में कुछ अलग ही मज़ा आता है। हाँ हमारा किचन छोटा है ना, तो हमारे किचन में जगह होती नहीं है, मतलब इतना ही। हाँ गरीबों के किचन ऐसे ही होते हैं। अभी एक पहाड़ों के किचन होते हैं ना, लीपे हुए बहुत अच्छे से होते हैं, साफ सुंदर से बने हुए, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। हम तो ना शहर वालों में ही है ना, हम पहाड़ वालों में ही हैं भाई। हम बेकार है भाई, हमारी ज़िंदगी तो ज़िंदगी से बेकार ही ठहरी, खाली जी रहे हैं। धरती पे बोझ, मम्मी पीछे से कह रही धरती पे बोझ, कमेंट्री कर रही ना मम्मी। यह बन चुका है हमारा उपमा, ना सॉरी पोहा, डिलीशियस वाला पोहा। अब पता नहीं कैसा होता है, प्रिया इसको पास करती है, ठेल करती है। प्रिया के तो नखरे भी अति रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसके नखरे हैं कि अलाना है फलाना है करके। ले काली माता, काली का पोहा चल बता खा के, जल्दी बता कैसा होगा। धनिया हाँ भूल गया, बस ठीक है। नमक ज़्यादा है कहीं पर हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पोहा आमा के लिए, आमा को भी पसंद है पोहा तो, लेकिन आमा मूँगफली के दाने नहीं खा पाती है इस पे से। आमा के मूँगफली के दाने निकाल दो, आमा दाने तो नहीं खा पाती। तो ये अब आमा को देख कर आता हूँ। आमा मैगी नहीं है आमा,
यह वो क्या बोलते है पोहा चूड़े का। हाँ भात वाला, भात वाला चूड़ा। पहाड़ों में तो तुम बहुत खाते होगे चूड़े। अच्छा हाँ अच्छा भंगीर। अच्छा 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 भंगीरा मिला के खाते थे तुम चूड़े में। अच्छा बिना नमक मिर्ची के ही खाते थे। अच्छा चलता। तो दोस्तों हमारा पोहा तैयार है, खा के दिखाता हूँ। मेरे पहले बस पे ही वो आ गया था पत्ता। एक नंबर मजा आ गया। थोड़ा सा मूंगफली है, मैंने मूंगफली में गलती करी, प्याज के साथ ना भूनने के बाद मैंने उसको हटाई नहीं। मूंगफली का क्रंच खराब हो गया टमाटर के साथ कॉलने के कारण, बाकी ये बाकी सब सही है। तो दोस्तों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।